राम राम दोस्तों, क्या हालचाल। अगर तुम 8 से 10 घंटे डेली हेडफोन या ईयरबड्स यूज करते हो और तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हारे कानों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, तुम रिप्लेस करो अपनी इन ईयरबड्स को ओपन ईयर ईयरबड्स से। वैसे ही एक ईयरबड्स हमारे पास आए हैं पेट्रॉन की तरफ से, जेनबड्स प्रो 1 ओपन ईयर ईयरबड्स। इनको कान के अंदर नहीं बाहर पहना जाता है। नॉर्मल TWS में साउंड डायरेक्ट कान के पर्दे पे पड़ता है, तो अगर आप 8 से 10 घंटे डेली यूज कर रहे हो तो आपके कान में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसमें ईयर कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू साउंड कान के अंदर जाता है, जिससे आप कितना भी लॉन्ग टाइम तक इसको यूज करो कान में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे वीडियो में सारी डिटेल्स दूंगा, किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, किस किस को इसको बाय करना चाहिए। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। इसका हमें कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है, बॉक्स के अंदर हमें कुछ कार्ड और एक ये टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है, और इस तरह के केस में ईयरबड्स मिलते हैं। हमने कई सारे TWS रिव्यू करे हैं, बट भाई इसका डिजाइन देखो काफी डिफरेंट है और थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे ये कान के शेप का है और उसमें ईयरबड्स लगे हुए हैं। यहाँ इस कवर को इस तरह से ओपन करके ईयरबड्स को बाहर निकाल सकते हो। इसके अंदर देखोगे तो एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और उसके नीचे हमें एक लाइट इंडिकेटर मिल जाता है। ये लाइट इंडिकेटर चार्जिंग के हिसाब से ब्लिंक होता है और फुल चार्ज होने पर स्टडी हो जाता है। इस तरह की डिजाइन में हमें ईयरबड्स मिलते हैं। यहाँ आप देखोगे तो टेक्सचर डिजाइन दिया हुआ है। फ्रंट में यहाँ पर पेट्रॉन की ब्रांडिंग है और यहाँ सेंटर में हमें टच एरिया दिया हुआ है। बैक साइड में देखोगे तो चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल लगी हुई है। केस एंड ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। इसके फिटिंग की बात करें तो भाई ये कान के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से फिट हो गया है और काफी कंफर्टेबल भी है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कान के ऊपर कोई प्रेशर आता है। नॉर्मल TWS में क्या होता है, जब हम पहनते हैं ना तो थोड़ी देर बाद हल्का सा प्रेशर फील होने लगता है, तो ये पहनने में तो काफी कंफर्टेबल है और इसकी फिटिंग भी काफी तगड़ी है। ओपन ईयर होने का फायदा ये होता है कि आप सड़क पे सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हो या बाइक पर सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हो तो जो एनवायरमेंट की अवेयरनेस है वो बनी रहती है। लाइक पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है तो उसका हॉर्न आपको सुनाई देगा, जो एनवायरमेंट की अवेयरनेस रहेगी वो बनी रहेगी। भाई कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्मल TWS में जो एम्बिएंट मोड आता है वो भी यूज कर सकते हो, उसमें भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस बनी रहती है। तो भाई यूज तो कर सकते हो बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। सबसे पहले जो एम्बिएंट मोड है वो सारे TWS में नहीं आता है। दूसरा, जब आप एम्बिएंट मोड यूज करते हो तो वो बैटरी ज्यादा खाता है। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी है कि एम्बिएंट मोड में जो आउटसाइड साउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा तेज सुनाई देता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम कर सकता है। ये IPX5 वाटरप्रूफ है तो आप इसको जिम वगैरह में बड़े आराम से पहन सकते हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो वहां पर भी इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको मोनो मोड में भी यूज कर सकते हो, तो अगर तुमको दोनों यूज नहीं करना है तो एक को अकेले अकेले भी यूज कर पाओगे। ये ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं, जिससे आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलती है और पावर भी ये सेव करते हैं। इनमें हमें टच कंट्रोल्स मिलते हैं, तो आप अपने फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, लाइक सॉन्ग को प्ले पॉज करना, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना, कॉल को पिक कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, AI वॉइस असिस्टेंट को टिकर कर सकते हो। सारे कंट्रोल्स में डाल दूंगा स्क्रीन पर, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। इनमें हमें क्वाड माइक सेटअप मिलता है ENC के साथ, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। तो जब भी आप इनके थ्रू कॉल करोगे एनवायरमेंट की जो भी नॉइस होगी वो फिल्टर हो जाएगी और सामने वाले को क्लियर कट ऑडियो सुनाई देगा। बाकी ऑडियो टेस्ट आप खुद ही देख लो। तो गाइस ये है इसका ऑडियो टेस्ट। जब भी आप इसके ENC माइक से ब्लूटूथ कॉलिंग करोगे आपको इस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। तो अभी हम आउटसाइड आए हुए हैं, काफी नॉइस भी हो रहा है, तो इससे आपको क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा किस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है जब भी आप इससे ब्लूटूथ कॉलिंग करोगे। अब आ जाते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पर। तो भाई अच्छा खासा लाउड साउंड है, इसके मिड्स एंड हाईस बढ़िया है, जिससे हाई वॉल्यूम पर भी साउंड की क्लियरिटी बनी रहती है। इसके बेस की बात करें तो बहुत तोड़ू तो नहीं है, बट आपको डिसेंट एंड बैलेंस्ड बेस मिलता है। 60-70% वॉल्यूम लेवल पर आप इसको यूज करोगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। जब आप क्वाइट प्लेस पर बैठकर इसमें सॉन्ग वगैरह प्ले करते हो या मल्टीमीडिया देखते हो लाइक अपने घर के अंदर, तब तो ये ठीक रहेगा। बट जब आप नॉइसी सिचुएशन में जाते हो, लाइक आप मार्केट में जा रहे हो, बस में जा रहे हो या ट्रेन जा रहे हो या ड्राइविंग करते हुए सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो, तब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का नॉइस है वो भी साथ में आपको सुनाई देगा, तो बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। इसमें 40 ms की लो लेटेंसी भी मिलती है, तो आप इसमें गेमिंग वगैरह कर सकते हो, बट इंडोर में एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और जैसे आप आउटसाइड में करोगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, क्योंकि आउटसाइड की जो नॉइस है वो भी तुम्हें सुनाई देगी और वो तुम्हारे गेम के साउंड के साथ मिक्स हो जाएगी। बैटरी बैकअप की बात करें तो टोटल 50 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है केस को इंक्लूड करके। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है, ईयरबड्स को चार्ज होने में 1 घंटा और इसके केस को चार्ज होने में पूरा 1.5 घंटा लगता है। अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। 2000 के आसपास इसकी प्राइस है, बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी बढ़िया है, डिसेंट साउंड क्वालिटी मिलती है। जिन लोगों को दिन भर ईयरफोन्स यूज करने होते हैं, लाइक जिनकी कॉलिंग वाली जॉब है, फिर हमारे सेल्स पर्सन हो गए, डिलीवरी पर्सन हो गए, या कोई एजेड आदमी है जिसके कान में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सारे काम भी हो जाते हैं, इसके साथ एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी बनी रहती है। बाकी अगर आप इन ईयरबड्स को चेकआउट करना चाहते हो तो इनकी लिंक डाल दो
दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन ईयरबड्स को चेकआउट कर सकते हो। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछ लेना। चैनल को लेकर कोई सजेशन है या चाहते हो मैं किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ वो भी भाई कमेंट करके बता देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे हमारी एक से एक नई नई रील्स आती रहती है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मानसी सेल्फ ब्लॉग, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे, ये था मेरी तरफ से पेट्रॉन के इस जेनवर्ड्स प्रूवन का रिव्यू। लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।